महागठबंधन सरकार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की नाराजगी का मसला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नवादा से बवाल की एक और तस्वीर सामने आ गई। नवादा में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पर आरजेडी की विधायक विभा देवी भरी मीटिंग में बरस गई। मीटिंग चल रही थी, इसमें मंत्री समीर कुमार महासेठ, जिलाधिकारी के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान मीटिंग के बीच में अचानक से विधायक विभा देवी की एंट्री होती है और सबके सामने मंत्री जी और जिलाधिकारी पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। बता दें, नवादा सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक बुलाई गई थी जिसमें शामिल होने विधायक विभा देवी भी पहुंची थी। विभा देवी सुबह से ही मंत्री जी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि साथ में वो मीटिंग में शामिल हो सके। और इसी बीच मंत्री समीर कुमार महासेठ सर्किट हाउस पहुंच गए और जिला अधिकारी और बाकी अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग शुरू कर दी। मंत्री जी के आने का इंतजार कर रही विभा देवी को इस बात की भनक ही नहीं लगी। आगमन पर मंत्री जी और विभा देवी की मुलाकात नहीं हुई और ना ही जिलाधिकारी ने उन्हें मंत्री जी के आने और मीटिंग शुरू होने की जानकारी दी। बस फिर क्या था, भरी मीटिंग में विभा देवी ने मंत्री जी और जिलाधिकारी को खरी खोटी सुनाई। हंगामे के दौरान मीटिंग बीच में स्थगित कर दी गई। हालांकि मंत्री समीर कुमार महासेठ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, विभा देवी को मनाने का भी प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। हालांकि बाद में विभा देवी ने सारी गलती जिलाधिकारी की बताई और अधिकारियों के घुसखोर होने का भी आरोप लगाया। विवाद की तस्वीर मीडिया में ना आए इसके लिए मंत्री जी ने जी मीडिया के पत्रकार को धमकी भरे अंदाज में करी सलाह दी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी के नेम था कि माननीय एमसी या विधायक बैठा है, उनको बुला करके मीटिंग रखे। अगर मीटिंग नहीं है तो हम लोग तो बुलाते डीएम अधिकारी जिला की, इतना गलत किया है आपको के साथ कि हद है उनको एकदम। माननीय मंत्री जी का क्या गलती है? माननीय मंत्री जी की कोई गलती नहीं है, घर के बेटा है, यहाँ के बेटा है। माननीय मंत्री जी के हम लोग के घर तो गलती क्या है? जिला अधिकारी समझ दे, जिला अधिकारी हमसे लोग 9 बजे से बैठे, हम लोग के देखे थे दरवाजा लगा लिया, तो दरवाजा लगाने के क्या दुख था? जिला आज जिला अधिकारी यहाँ है तो कल कहीं और रहेगा। आज यहाँ ना उधर घुसखोर खोर रहता है, घुस खाने वाला रहता है। क्या लगता है आखिर आप मीटिंग से बाहर निकल के आए? मैडम जो बात बोली, क्या सत्यता क्या है सर? कहाँ मीटिंग, आप तो मीटिंग से बाहर आ गए सर। आप देख रहे थे क्या? हाँ, हमने पूरी वीडियो ली है सर। थैंक यू। आपके जैसे भाई को समाज के चौथा स्तंभ, अगर जंगली को, जंगल राज को अगर स्थापित करना चाहते हैं जरूर दिखा दें, नहीं तो उसको डिलीट करें। इसलिए भविष्य बनाना है, हमारा तो भविष्य बन गया, आप जिस उम्र के हैं ना आपको भविष्य बनाना है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, देखिए सवाल ये उठता है आपस में, यहां पर ये तो तय है कि तालमेल नहीं है महागठबंधन की सरकार में। कई बार ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, एक दूसरे पर ही आरोप लगाए जाते हैं और सलाह मीडिया को दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए गलतियां अपनी हो और सलाह किसी दूसरे को दी जाती हो तो इससे मामला और फंसेगा और जो संबंध हैं वो खराब होंगे। ऐसे में खुद के अंदर झांकने के बजाय यदि दूसरे पे आरोप लगाते हैं, मीडिया पे आरोप लगाते हैं, तो कहीं न कहीं जो चीज़ों को छुपाने की कोशिश है। यदि इस तरह की चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले चीज़ तो खुद को ठीक करना होगा। आप यदि ठीक रहिएगा तो मीडिया क्या दिखाएगा? तस्वीरें वही दिखती है जो रिकॉर्ड होती है, जो सामने होती है। तो ऐसे में यदि आप मीडिया पे ब्लेम कीजिएगा, मीडिया को कह लीजिए एक तरीके से घेरिएगा, तो कहीं न कहीं आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको ठीक होने की ज़रूरत है। क्योंकि सवाल है कि इस तरह की वाकया क्यों होती है, यदि खबरें दिखाई जाती है। बिल्कुल नवजीत, लेकिन इन सबसे एक बात निकलकर सामने आ रही है, क्या वाकई महागठबंधन की हम बात करें नवजीत, तो पहला सवाल भी मैंने यही पूछा, तालमेल नहीं है। क्योंकि सवाल उठता है आप जनता की तभी सेवा करेंगे ना जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभी वो बवाल थमा भी नहीं है, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि ठीक है सब कोई लिप्त है भ्रष्टाचार में, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? यहां पर आप देख रहे हैं कि मीटिंग करने को अब जिला अधिकारी को लेकर यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वाकई सरकार का गठन तो हो गया लेकिन आपस में यहां पर तालमेल सच में दिखाई नहीं दे रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जितना बड़ा गठबंधन है, जिस तरीके हाँ। से सात दल इसमें शामिल हैं, ऐसे में जो स्थितियां सामने आती है, यदि आप कह लीजिए कि मंत्री का देख लीजिए, जो कृषि मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं, कृषि मंत्री कौन है तो आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पुत्र हैं, हाँ, तो हाँ। स्थिति को समझा जाए, इसके पीछे भी जाना होगा। दरअसल महागठबंधन का जो राजद जो दल है उसमें से बहुत सारे नेता जो रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे, एक सच्चाई है। जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग, सियासी गलियारों में बात कीजिएगा तो अंदर खाने ये भी बात आती है कि बहुत सारे नेता जो थे वो नहीं चाहते थे कि इनके साथ गठबंधन हो, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी है तो बन गई है। अब ऐसे में जो नेता नहीं चाहते थे, जो कल ये बड़े नेता हो या फिर जो कहीं जहां कहीं भी चाहते थे कि हमारा गठबंधन ना हो, तो ऐसे में ये समस्या तो सामने आएगी। अब हाँ। किसी को कह लीजिए तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं, उनको कह लीजिए कि संभालना होगा, कितना संभालते हैं ये देखना होगा, नहीं तो नुकसान तो सीधा के सीधा जाते हुए दिखेगी। बिल्कुल नवजीत, बड़ा सवाल उठाया आपने, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, खगड़िया